एक मिनट रुको बस सेट कर दूं। पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खुशियों का कमाल ही कर दिया। गोदावरी के निर्मल जल ने इसे बेमिसाल कर दिया। अगर कुछ अर्ज न हो तो अपने वंश से प्रचलित कीजिए। देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के जाए हैं। पिताजी की आज्ञा से 14 साल के लिए वन भ्रमण करने आए हैं। लक्ष्मण ये हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी मेरी धर्म पत्नी है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमारे से क्या काम है? यदि अनुचित न समझें आप ही अपने वंश से परिचित करा दीजिए और अपना शुभ नाम और पता बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमसीर हूँ। मेरे भाई हर और भूषण इसी जंगल में रहते हैं और नाम से मुझे स्वरूप निखार देते हैं। फिर भी बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत अजमाई, मगर ये बाली किसी को खातिर में नहीं लाई। फिर यहाँ इसलिए तशरीफ लाई? इसलिए कि तुमने रूपनिखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अकलमंद मालूम होते हो, मगर वो पूरे सौदा जी। आप मेरे स्वामी, मैं आपकी लुगाई। अब तो समझे मेरे बाप के जमाई। जब आप अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में न लाई तो हम फकीरों से शादी करने की क्यों धूम लगाई? तबीयत है जहाँ आई तो आई, फिर कौन बादशाह कैसी कर दाई। अफसोस, मैं तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ लक्ष्मण जी, अगर इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप लक्ष्मण जी के पास जाइए और अपनी दिली इच्छा उनको बताइए। अकेला है, वैसे भी जवान अलबेला है। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा हम पूरी कर सकते नहीं। हम आर्य
आर्य पुरुष आर्यवासी खंडन आर्य धर्म खंडन कर सकते नहीं। तू तो छोड़ आई लंका रो रा
ताकि उसको भी अच्छी तरह से मालूम हो जाए।